तुम भाई साहब एक यहाँ पर है ना चक्के, यहाँ पर है ना मतलब पप्पा भी घूमेंगे। देखो बोलिए बच्चों के लिए ट्रेन और जो कार्निवल, क्या बात कर रहे हो भाई, छोटे बच्चे लोग को भी मजा आएगी। ठीक है जो ये डेट बोले छोटे छोटे बच्चे को भी लेके जाओ वहाँ पर, इनको मतलब उनको फेस्टिवल में मतलब फेस्टिवल ही समझो इनके आगमन को, बहुत ही मजा आएगी। तो बंटाई लोग क्या बोलते हैं फिर, मतलब अभी गाइस बहुत ही बरसात हो रही है सूरत में, तो भी हम लोग ना भाई कैसे कैसे करके वीडियोस बना रहे हैं, तो हम आपके लिए इतना कर रहे हैं, तो आपका भी एक फर्ज बनता है, तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर दो वीडियो, और कमेंट सेक्शन में गणपति बप्पा और जय श्री राम लिख दो। ठीक है तो अभी मेरे साथ प्रशांत और नयन, प्रशांत का छोटा भाई नयन, ठीक है ये मेरे साथ ऑलमोस्ट रहता है, अभी आज प्रशांत भी है क्योंकि संडे है ना इसलिए। तो दोस्तों आप ये देखिए श्री कला मंदिर आर्ट पार्ट 3, यहाँ के मैं अपडेट आपको दिखाने वाला हूँ बप्पा की। ठीक है तो यहाँ पर गाइस सूरत में है ना 7 या 8 दिन बरसात बोली है, फिर भी हम लोग शूट करेंगे। ठीक है आपके लिए मैं अपडेट दिखाते ही रहूँगा, और बप्पा की आगमन की भी मैं अपडेट अभी लाऊँगा, क्योंकि अभी ये पूरा कामकाज हो जाएगा ना गणपति बप्पा को, फिर मैं आगमन की व्लॉग शूट करूँगा, फिर बप्पा के मंडप की व्लॉग शूट करूँगा, पप्पा के पूरा मतलब ब्लॉग शूट करके मैं मेरे चैनल पे आपको दिखाते रहूँगा। ठीक है ऐसे प्यार सपोर्ट करते रहो, अभी अब अंदर चलते हैं। ठीक है तो गाइस आप जैसे देख सकते हो अंदर एंटर ही करते हैं ना, पहले जो आप ये मूर्ति देख रहे हो ना यहाँ पे देखिए, और इनके मंडल वाले यहाँ पर है, तो भाई साहब आप इधर ही देते हो? नहीं दूसरा घर बना दिया। अच्छा अच्छा नहीं बाकी बहुत ही मतलब इनके मंडल से ये साहब है ना, हर बात देखते हो ना भाई साहब यहाँ पे रहते हो, बहुत ख्याल रख रहे हैं बप्पा का, इनका बप्पा बहुत ही अच्छे बन रहे हैं। देखिए फिर से दिखा दीजिए प्रशांत, बहुत मस्त मूर्ति है, और ऑलमोस्ट पहले जो पार्ट 2 में इतना काम कुछ नहीं हुआ था, अभी कलरिंग हो गया है आप देख रहे हो ना, और एक बार दिखा दीजिए इनके पापा को मूर्ति को कलर होगा, और कितना टाइम लगेगा सर? और इसमें मेरे ख्याल से 3 से 4 दिन जाएंगे, और अच्छा इसमें और कलर में और बाकी हम जो करने वाले उसमें अभी 50% काम पेंडिंग है। अच्छा जो उसके बाद बनने के बाद जो निखार आएगा तो बहुत अच्छा आएगा, तो आई होप टाइम से सब हो जाएगा। और आगमन हो जाएगा, आगमन का अभी फिक्स ही नहीं हुआ है बारिश की वजह से। अच्छा अच्छा बारिश की वजह से हम शायद, तो गाइस सूरत में ना बहुत पोस्टपोन्ड हो गए आगमन, क्योंकि बारिश चालू हो गई है, और कुछ आगाही भी दी है 7 दिन की 8 दिन की शायद, तो उसे क्योंकि आगमन शायद पोस्टपोन करना पड़ेगा बड़े बड़े मंडल को भी। ठीक है अभी आगे चलते और पूरा मूर्ति का वीडियो शूट करते। तो गाइस आप ये देख सकते हो गाइस बहुत ही जबरदस्त मूर्ति बन रही है, पुष्पा का नाम मुझे नहीं पता, बट आपको अगर पता हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना गाइस। ये देखिए गाइस यहाँ पर कितना मस्त पप्पा बैठे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अभी दिखा दो, ठीक है यहाँ पे हम लोग गणपति पप्पा का आशीर्वाद लेंगे। गणपति पप्पा मोरिया ऐसे वीडियो में प्यार बनाए रखना, और आपके सपोर्ट के आपके जो आशीर्वाद से हम लोग ऐसे आगे बढ़ते रहे, क्या बोलते हैं प्रशांत? ठीक है पहले टोके हो जाने दे। ठीक है यहाँ भी देख सकते हो गाइस यहाँ पर कितने मस्त पप्पा है, हमको बहुत अच्छा लगा। ये हमें ना श्री साई कला केंद्र में आए पार्ट 3 लेकर, अभी आधे मंडल वाले आए उसके हम लोग जानकारी लेंगे, फिर आपको ये पूरी ब्लॉग है ना गाइस iPhone 15 में शूट हो रही है। किसका मोबाइल? भाई का मोबाइल, क्या बोलते भाई का मोबाइल। ठीक है पप्पा का ऐसे ही साथ रहे हमारे साथ, क्या बोलते तो बोलो गणपति बप्पा मोरिया। भाई साहब ऐसा ही कुछ आपने बाहुबली में तुम्हें देखा होगा, वो जो भल्लाल देव रहता है ना गाइस ऐसे सांड को पकड़ लेता है, बट वो VFX था, ये रियल है। ठीक है रियल मतलब ये POP के,
तो आप ये देख सकते हो कि कितनी बड़ी मूर्ति यहाँ पर तैयार हो रही है। और ये देखिए जो हमारे नंदी बाबा है, यहाँ पर नंदी बाबा के पीछे जस्ट गणपति बप्पा उन लोग को ऐसा पकड़ के ऐसे करने वाले हैं, ठीक है। डोरी सब आएगी, पूरा गणपति कवर होने के बाद भी आपको मैं दिखा दूंगा। अभी चलते आगे, थोड़ा सा आइए यहाँ पर। तो कितना लग रहा है प्रशांत आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा ये है, हाँ ये थोड़ा सपोर्ट के लिए है बाम्बू। और यहाँ पे भी देखिए बहुत ही मस्त बप्पा है, ठीक है। अभी आगे चलते हैं। और ये देखिए गाइस, यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा आगे आइए। जो ये बप्पा ने ना ऐसा, मतलब इनका जो ये शायद त्रिशूल होगा, नहीं तो कुछ औजार होगा, जो बप्पा के शस्त्र रहते हैं ना वो होगा। तो ये भी बहुत बिगेस्ट बप्पा है। अभी थोड़ा सा और आगे चलते हैं यहाँ पर, ये देखिए। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे देश का राष्ट्रीय प्राणी मोर, और उनके देखो बप्पा की तस्वीर भी है। ये मोर है और बप्पा ऐसे कुछ दिखने वाले, बहुत ही सुंदर बप्पा है। इनका आगमन मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे देख सकते हो कि कितना मस्त कलर है, मोर को भी सेम कलर ऐसा मारा जाएगा। फिर आपको मैं अगली नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखा दूंगा। अभी यहाँ पे ये है ना गाइस, ये पृथ्वी है, ठीक है। अभी आगे से मैं दिखाता हूँ। बोला गणपति बप्पा मूर्ति। तो गाइस पार्ट टू में आपने देखा था ना, मैंने आपको दिखाया था जो कलश है वो घूमेगा। तो अभी थोड़ा उनका काम हो चुका है और ये मंडल वाले लोग हैं। तो आपके मंडल का नाम क्या है सर? बाल गणेश युवक मंडल। और ये सूरत से कहाँ से बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है सूरत बिगमपुरा, बादल से थोड़ा आगे। अच्छा, और आपके जो ये गणपति कितने साल से बिठा रहे हो आप? वो तो लगभग 20-25 साल से ऊपर हो गया, 25 साल कंप्लीट हुए। अच्छा 35 साल। अच्छा 35 साल का, 35 इयर्स कंप्लीट हुए। और इस बार कुछ यूनिक लगता है आपके इधर? तो हर साल के यूनिक ही लाते हैं। अच्छा अच्छा, कुछ नया ही लाते हैं। नया साल भी अलग था, ये साल भी अलग ही है। तो थोड़ा अब आगे आ जाइए, मैं दिखा देता हूँ। ये जो ये कलश है ना, ये देखो, ये यहाँ पर है ना चक्के, यहाँ पर है ना, मतलब बप्पा भी घूमेंगे, देखो सब मूर्ति लगाई हुई है बप्पा के ऊपर है। थोड़ा सा यहाँ पर देखो, यहाँ पर है ना घुमा के दिखा रहे सर। तो आप ही काम कर रहे हो सर इसके ऊपर? अच्छा, ये थोड़ा यहाँ पर आइए। ऐसा ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। खाली नहीं, आपका नाम क्या है? मेरा केएम पटेल। केएम पटेल, ठीक है। ये कितना टाइम लग गया आपको ये सब बनाने में सर? बनाने में हम लोग को एक, अच्छा एक वीक लग गया। ये पूरा मतलब हाइड्रोलिक भी लगाया गया इसमें सर? अच्छा इधर मोटर आएगी ना, थोड़ा यहाँ पर आइए देखिए। अच्छा ये मोटर, ये अच्छा अच्छा, तो बहुत ही यूनिक पूरा मतलब। हाँ अच्छा, धीरे धीरे। अच्छा अच्छा, उसके साथ वो मतलब छोटी छोटी गणपति बप्पा भी है, उसके साथ पूरे घूमेगी। हाँ पूरा घूमेगा ना, उसके साथ 9 गणपति की छोटी छोटी मूर्ति है सब। आप जैसे देखे समझ लीजिए, एक गणेश जी मक्खन खा रहे हैं, एक गणेश जी मक्खन खा रहे हैं। अच्छा, एक दूसरे को पास कर रहे हैं और उसके बाद वो सब खेलते हुए बाल स्वरूप रखते हैं। अच्छा, तो आप ये देख सकते हो कि जो छोटे छोटे भी गणपति आते हैं ना, बाल गणेश, वो मक्खन मतलब वो तो कृष्ण जी के रूप में, वो सब आपको ऊपर देखने मिलेंगे। और ये देखो, हाँ ये देख रहे हैं ना, थोड़ा सा मैं आपको वीडियो चला दूंगा, आपको देखने मिल जाएगा। और बहुत ही मस्त है। और ये सर आगमन कब है? आगमन 20 तारीख को, 5 तारीख को। सर को थोड़ा पता नहीं है, बट आगमन 5 तारीख को है। और टाइमिंग क्या है आगमन का? शाम को 9 बजे। शाम को 9 बजे कौन सा पूरा? बेगमपुरा। अच्छा, वहाँ पर पहुँच जाएंगे हम लोग और बप्पा की शूट करके दिखा देंगे। बोला गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति। बोला गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति। तो गाइस पार्ट टू में भी ये सर को देखे होंगे। तो सर पहले आपका नाम क्या है? तेजस दालवाला। ये भी मंडल की तरफ से है ना आपका? तो मंडल मतलब कितने साल से आप जो गणपति? हमारा ये 21वां साल है, 21 ईयर है हमारा, 21 पूर्ण हो रहा है। अच्छा, और अभी इस साल हम विष्णु भगवान के रूप में गणेश जी की बड़ी प्रतिमा बिठा रहे हैं। हम 21 साल से ऐसे अट्रैक्टिव प्रतिमाएं लाते हैं, अट्रैक्टिव मूर्ति लाते हैं। इस साल हमारे 21वां साल है। और ये मूर्ति कितने फीट की हो सकती? ये हमारी मूर्ति अप्रोक्स 25 या 26 फुट की हो सकती। तो बहुत ही मजा आने वाला है इनके आगमन में भी, ढोल ताशा डीजे सब रहेगा ना। क्या बात कर रहे हो भाई, छोटे बच्चे लोग को भी मजा आएगी, ठीक है। जो ये डेट बोले, छोटे छोटे बच्चे को भी लेके जाओ वहाँ पर, इनको मतलब उनको फेस्टिवल में, मतलब फेस्टिवल ही समझो इनके आगमन को, बहुत ही मजा आएगी, ठीक है। अपना आगमन का रूट है मैदरपुरा जडाखारी से दारूखाना रोड, और उसके बाद रानासरे में हमारी आगमन यात्रा एकता युवक मंडल रानासरे विघ्नता के मंडप पे पूर्ण होगी, ठीक शाम को 8 बजे।
बजे सब भक्तों को पहुंच जाना है। तो भाविक भक्त सब पहुंच जाना, ठीक है। अभी मेरे साथ बोलो गणपति बप्पा। फिनिशिंग का काम अगली फोर देवा भाई फिनिशिंग का काम करते हैं, पार्ट वन पार्ट टू और ये पार्ट थ्री में भी आपको देखने मिल गए। बोला देवा भाई गणपति बप्पा मंगल मूर्ति मुझे मामा की जय। तो दोस्तों फाइनली आपने सारी मूर्ति का अपडेट देख लिया होगा, ठीक है। तो मैंने अपडेट में मतलब पूरा मूर्ति का जो कवर है आपको करके दिखा दिया है। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट में गणपति बप्पा मोरिया लिख देना है और जय श्री राम भी लिख देना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। ख्याल रखो अपना और आपके परिवार का, ठीक है। गणपति बप्पा मोरिया।